सर एक केस तो हम इसलिए दौड़ते हैं कि मेरा ये मानना है, तमाम खतियानियों का मानना है कि खतियाने किसी से 19-20 नहीं है, खतियानी हर किसी से 21 है। इसलिए हम लोग सर रोज़ के रोज़ 21 किलोमीटर दौड़ते हैं और अपने पैरों को दर्द देते हुए अपनी दर्द को बयां करते हैं। यहाँ की जो सत्तासीन सरकार है, मगरूर सरकार है, घमंडी सरकार है, उसको ये बताने का काम करते हैं कि आप हमारी दर्द को समझें, हमारी व्यथा को समझें और खतियान के आधार पर स्थान नीति नियोजन नीति का निर्धारण करें। और कहीं ना कहीं आपने ही हर एक चुनावी घोषणाओं में इस बात को रखा है, कहा है, हर मंच से आपने कहने का काम किया है कि जैसे हमारी सरकार बनेगी, सरकार बनते ही खतियान के आधार पर स्थान नीति और नियोजन नीति का निर्धारण किया जाएगा ताकि हमारे यहाँ के युवा युवती, हमारे यहाँ के बच्चों को 100% नियोजित कराया जा सके। आज सरकार पूरी तरीके से यू टर्न ले ली है और कहीं ना कहीं इसीलिए हम लोग इस सरकार को याद दिलाने का काम करते हैं कि आपने कहा था कि हम खतियान के आधार पर यहाँ के बच्चों को नियोजित कराएंगे, 60-40 नहीं, 70-80 नहीं, 100% नियोजित कराएंगे तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में। परंतु ऐसा नहीं हुआ सर, इसलिए रोज़ के रोज़ हम लोग 21 किलोमीटर दौड़ते हैं और यहाँ की सरकार को बताने का काम करते हैं, हेमंत जी को बताने का काम करते हैं कि आप हमारी दर्द को समझें और खतियान के आधार पर स्थान नीति बनाएं, खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाएं। चूँकि सर इन 22 वर्षों में हमें हमारी पहचान नहीं मिली, ये तकलीफ का विषय है। किसी ने इस बात को परिभाषित नहीं करने का काम किया, चाहे शीर्ष नेता जो भी हो। इससे पहले यहाँ पर NDA की सरकार रही है, NDA में भी बहुत सारे नेतागणों को यहाँ पर मौका मिला है सत्ता संभालने का, उन्होंने भी नहीं किया। और हेमंत जी जिस कमिटमेंट के साथ यहाँ पर सत्ता संभालने का काम किए, मुख्यमंत्री बनने का काम किए, उन्होंने भी नहीं किया, तो ये तकलीफ का विषय है सर। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।